हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं एक बहुत ही बढ़िया एम्पलीफायर सर्किट बोर्ड की। और ये एक 5.1 एम्पलीफायर सर्किट बोर्ड है जो कि 2050 आईसी में है। और इसी में आपको एक 5.1 मार्केट में अवेलेबल है जो कि वो भी 5.1 है लेकिन वो 2030 आईसी में आता है जो कि बहुत पहले से चल रहा है। ये मैं आपको जो अनबॉक्सिंग करके दिखा रहा हूँ ये 5.1 एम्पलीफायर बोर्ड 2050 आईसी में, इसमें आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया है और काफ़ी बड़ा भी है। और इसका मैं जल्दी से अनरैप करके आपको दिखा देता हूँ कि ये दिखने में कैसा है। और आप इसका इस्तेमाल करके होममेड एम्पलीफायर बोर्ड है ये, इसका इस्तेमाल करके आप एम्पलीफायर बना सकते हैं होममेड। प्लस मार्केट्स में कई अवेलेबल प्रोडक्ट्स हैं जो होम थिएटर वगैरह, उसमें भी इन बोर्ड्स का इस्तेमाल होता है। आगे इसमें आप देख सकते हैं हीट सिंक भी काफ़ी बढ़िया लगा हुआ है और इसमें आपको सारे कनेक्टर्स भी मिल जाते हैं। और मैं आपको इसमें दिखा दूं, इसमें आप देख सकते हैं TDA 2050 की 5 IC लगी हुई हैं। और इसमें आपको स्पीकर के कनेक्शन के लिए 2 आउटपुट प्लस वॉल्यूम कंट्रोल के लिए एक 5 वोल्ट आउटपुट है जो कि ब्लूटूथ मॉड्यूल को चलाता है। और ये 12012 3 से 7 5 एम्पीयर तक आप पावर सप्लाई दे सकते हैं। एक वूफर का कनेक्शन और ये बेस कंट्रोल के लिए कनेक्टर लगा हुआ है। हीट सिंक भी काफ़ी अच्छा है जो कि इन ICs को हीट होने से काफ़ी हद तक रोकता है। और इसमें 7805 की एक IC लगी। पीछे से कुछ आप देख सकते हैं, इसमें नो वायरिंग कनेक्शन है, तो आपको इसमें कोई कनेक्शन पहले से वायर सोल्ड करके नहीं मिलता। इसमें आपको कनेक्टर्स मिलते हैं, जब आप इसे परचेस करेंगे तो इसमें कनेक्टर्स में अटैच होने वाले वायर्स भी आएंगे जिनमें पिन लगा होता है पहले से। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं आगे भी इसी तरह के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग करता रहूँ।